Good morning to one and all. I am Prem Corporately. My dear students, today I'm here along with the second part of globalization and the Indian economy. My dear students, in today's session I am going to explain about the factors that have enabled globalization. And in that part we will discuss about the trade barriers as well as we will think on the technology especially

भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा एंड लास्ट आई शैल एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन एक न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए भारत का क्या संघर्ष रहा है या किस तरह का संघर्ष होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन एंड इन दैट पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट विद द टेक्नोलॉजी बच्चों rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process प्रौद्योगिकी में जो तीव्र उन्नति वह कारक है जिसने इस ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है उसने स्टमुलेटेड किया है ठीक जैसे मैं बात करूं कि पिछले 50 वर्षों में तो जहां ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट आया इम्प्रूवमेंट्स हुए उसकी वजह से आज लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रता के साथ आपूर्ति की जा सकती है दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसिस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक हम अपने वस्तुएँ जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो भेज सकते हैं किसके कारण ये संभव हो रहा है ये हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट की वजह से सेकंड में बात करूँ तो इवन मोर रिमार्केबल हैव बिन द डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास भी इस ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाने में बहुत मददगार है ओके इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर्स इंटरनेट हैज़ बिन चेंजिंग रैपिडली आज आप देख रहे हैं ना जो दूरसंचार यानि ते, जो टेलीकम्युनिकेशन है है ना कंप्यूटर और इंटरनेट की जो फैसिलिटी आज कितनी तेज़ी से बदल रही है आज हम जो ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं ये सब किसके भरोसे संभव हो रहा है ये कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल इसी के माध्यम से संभव हो पा रहा है और बच्चों अगर मैं बात करूँ टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की तो टेलीग्राफ टेलीफोन है ना आज तो मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल हो रहा है अगर हम फास्टेस्ट अपनी मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं तो पहले पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू आप अपने पोस्ट भेजी जाती थी, थी आज इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भेजी जा रही है और आ, आज के समय में आप व्हाट्सएप के थ्रू चैटिंग कर रहे हैं तुरंत रिस्पॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो ये देखिए आप इंफॉर्मेशन uh, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट uh, आ रहा है इम्प्रूवमेंट आ रहा है ओके तो इस तरह से अगर हम बात करें कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आप कंप्यूटर का जो है वो प्रवेश हो चुका है आपने इंटरनेट के जो चमत्कारी संसार में भी प्रवेश किया होगा है ना जहाँ जो कुछ भी आप जानना चाहेंगे उसकी जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से तुरंत प्राप्त कर लेते हैं सूचनाओं का को आपस में बांट लेते हैं तो बच्चों इस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के कारण ट्रेड बिजनेस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है सो so, दीज आर दू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच है मेड एनेबल ग्लोबलाइजेशन ओके जिन्होंने वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए बहुत मदद की है इसका एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं यूजिंग ऑफ आई टी इन ग्लोबलाइजेशन ओके देर इज अ न्यूज़ मैगजीन पब्लिश फॉर लंदन रीडर्स इज टू बी डिजाइंड एंड प्रिंटेड इन दहली बच्चों एक लंदन के पाठकों के लिए एक समाचार पत्र पत्रिका जो है उसके डिज़ाइन और उसकी छपाई का जो काम है वो कहाँ होता है दिल्ली में किया जाना है ठीक और जो पत्रिका या जो न्यूज़पेपर की जो मटेरियल है ठीक वो मटेरियल इंटरनेट के द्वारा लंदन से दिल्ली के एक ऑफिस में भेज दिया जाता है फिर यहाँ पर जो डिज़ाइनर होते हैं वो डिज़ाइनर उस पे उस मैगजीन को या उस न्यूज़पेपर को डिज़ाइन करते हैं और सारी डिज़ाइन जो है वापस कम्युनिकेशन या इस के माध्यम से वापस लंदन वालों को दिखाई जाती है टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से फिर वो उसको फ़ाइनल कर लेते हैं और दिल्ली वाले फिर उस जो डिज़ाइन फाइनल हो जाती है उसका प्रिंट निकाल करके तैयार करते हैं फिर ये प्रिंट होने के बाद ये सारा मटेरियल बाय एयर है ना एरोप्लेन के माध्यम से बाय एयर जो है वो लंदन को भेज दिया जाता है अब जब इन्होंने यहाँ पर बैठ कर के वहाँ की कंटेंट्स को यहाँ डिज़ाइन किया न्यूज़पेपर को डिज़ाइन किया तो अब इनको जो पैसे इन्हें मिलने हैं इनकी मेहनत के वो उस छपाई और डिज़ाइन के जो पैसे का भुगतान है वो इंटरनेट के माध्यम से ई बैंकिंग के द्वारा लंदन की एक बैंक से दिल्ली की एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है बच्चों तो ये ग्लोबलाइजेशन को इनेबल बनाने में इन दो टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा योगदान है नाउ वी विल डिस्कस ऑन दी लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओके ये जो पॉलिसी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि भारत में चीनी खिलौने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किए जाते हैं ठीक है चीनी खिलौने जब भारत में आने लगे तो उस पर भारत में तैयार करने वाली जो कंपनियां हैं खिलौने तैयार करने वाली कंपनियां हैं वो कंपनी के रेट अगर मान लीजिए चाइनीज़ टॉयज़ की तुलना में ज़्यादा हो रहे हों और चाइनीज़ क्या करेगा चाइनीज़ टॉयज़ जो होंगे वो पूरी मार्केट को कवर कर लेगा तब यहाँ क्या किया जाएगा भारत सरकार क्या काम कर सकती है कि जो चाइना से आने वाले जो इम्पोर्ट हो रहे हैं वो ट्वाइस पर वो एक टैक्स इम्पोज़ कर देती है ठीक है अब इससे क्या होगा जब टैक्स इम्पोज़ कर देगी तो वहाँ से आने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी अब कीमत ज़्यादा हो जाने से जो ख़रीदार होगा वो बाहर से आने वाले खिलौने को खरीदना पसंद नहीं करेगा तो इससे क्या होगा कि चीन चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे ठीक है और चीन से उनका आयात धीरे धीरे खुद ही कम होना चाह चालू हो जाएगा जब यहाँ पर उनकी बिक्री नहीं होगी तो ये इस, इसका क्यों यूज़ किया जाता है ये भारत सरकार इसका उपयोग क्यों करती है तो भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्ध हो जाए ओके इंडियन टॉयस मेकर्स विल प्रॉस्पर विद दिस स्ट्रेटजी तो बच्चों ये जो टैक्स इम्पोज किया ना टैक्स इम्पोज़ किया तो इसको एक प्रकार से ट्रेड बैरियर के तौर पर देखा जाता है ठीक टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर ओके इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन सेटअप कुछ उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं उस व्यापार पर उसको व्यापार अवरोधक कहते हैं ट्रेड बैरियर को इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है एंड गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ इच शुड कम इन टीन इन टू अवर कंट्री ये सरकारें जो होती है सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि करना है या उसकी कटौती करना है इसके लिए करती है और देश में किस प्रकार की वस्तुएं भारत में आए अपने देश में आएगी बुलवाई जाएगी इस इसको डिसाइड करने के लिए करती है यह निर्णय करने के लिए ये ट्रेड बैरियर का यूज़ किया जाता है तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रेड बैरियर ज़रूर समझ में आया होगा ठीक बच्चों अगर मैं बात करूँ इंडियन गवर्नमेंट की द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने विदेश व्यापार से और विदेश निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था क्यों क्योंकि देश के उत्पादकों को जो विदेशी प्रतिस्पर्धा जो फॉरेन कंपटीशन था ना उससे उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना था क्योंकि नाइनटीन और सिक्सटीज़ के डिकेड में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज इमर्ज हो रही थी बच्चों ये इसका उद्भव उदय हो रहा था और ये उस अवस्था में थी अगर मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन करने वाली ये कंपनी थी अगर उस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में बाहर से बुलाया जाता विदेशों से तो ये इंडस्ट्री ग्रोथ ही नहीं कर पाती उन इंडस्ट्री के कंपटीशन में वो खड़ी नहीं हो पाती और ये बंद हो जाती तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय ट्रेड बैरियर्स को लगा रखा था ठीक इंडस्ट्रीज uh, industries जस्ट कमिंग अप इन in 1950s and 1960s and एंड from imports at एट द स्टेज वुड नॉट बी हैव अलाउड industries इंडस्ट्रीज टू कम अप बस भारत ने क्या किया दस इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑन ओनलीसियल आइटम उस समय भारत ने केवल अनिवार्य चीजों को भारत में आने के लिए अनुमति दी जैसे कि कुछ थी मशीनरीज फर्टिलाइजर्स पेट्रोलियम है ना ये इन चीज़ों को आने दिया ये 1950 और सिक्सटी की मैं बात कर रहा हूँ फिर इसके बाद क्या हुआ स्टार्टिंग अराउंड 1991 स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंज इन द पॉलिसी वर मेड इन इंडिया बच्चों भारत में करीब 1991 के प्रारंभ में फिर कुछ नीतियों में कुछ सुधार किए गए और उसमें परिवर्तन किए गए सरकार ने अब क्या निश्चय किया सरकार ने निश्चय किया द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स कंपीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड भारत सरकार ने यह महसूस किया कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं भारतीय उत्पादक हैं उनके लिए अब ग्लोबल लेवल पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कंपटीशन करने का समय आ गया है और ये भी महसूस किया गया कि अगर कंपटीशन से देश के प्रोड्यूसर्स के प्रदर्शन में सुधार होगा ठीक है और सुधार नहीं होगा तो फिर यह ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर यह अपने आपको स्टेबल नहीं कर पाएंगे तो यह महसूस किया गया इट फेल्ट दैट competition would improve दी परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स within the country कंट्री सिंस दे have हैव टू their देयर क्वालिटी इससे क्या होगा वो अपनी गुणवत्ता में सुधार लाएंगे टेक्नोलॉजी में बदलाव लाएंगे उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा क्वालिटी बनाएंगे ये सुधार कार्य होगा दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब भारत सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया तो इसका इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी बड़ा समर्थन किया था आप समझ सकते हैं आप कंपटीशन के लिए अगर आपके प्रतिस्पर्धी आपके कंपटीटर हैं जब आपका कंपटीटर आपके साथ होगा तो आप उससे बेहतर करने की प्रयास करेंगे आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर तैयार करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलेगा कंज्यूमर को मिलेगा ठीक तो बच्चों द बैरियर्स ऑन फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट काफ़ी हद तक इस जो फॉरन uh, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर जो बैरियर्स थे उसको हटा दिया गया और बड़ी सुगमता से फिर वस्तुओं का आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाने लगा और साथ ही जो फॉरेन कंपनीज़ थी उन्होंने अपने यहाँ पर ऑफिसेस खोले अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया तो ये सब अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाने के कारण हो सका था तो अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की तो लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण कि किसको कहेंगे अब तो रिमूविंग बैरियर्स ऑन रिस्ट्रिकस रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन सरकार द्वारा जो अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण के नाम से जानी जाती है ओके लिबरलाइजेशन ऑफ विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिज़नेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि भईया वो क्या इंपोर्ट करेंगे क्या एक्सपोर्ट करेंगे उस, उनको फ्री कर दिया गया सरकार ने पहले की तुलना में अब उन पर कम नियंत्रण करने लगी और इसलिए वो अधिक उदार या लिबरल कहलाई जाने लगी तो इस तरह से बेटा लिबरलाइजेशन एन उदारीकरण को आ, आ, हमारे यहाँ बढ़ावा दिया गया करीब नाइनटीन से अपनी पॉलिसीज में चेंजेस आए उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ठीक वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वॉज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही भारत ने फॉरन ट्रेड और फॉरन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइजेशन के दायरे में लाया वैसे ही प्रभावशाली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उनका समर्थन भी भारत को मिलने लगा बच्चों दिस ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हार्मफुल उनका मानना है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कि विदेश व्यापार और विदेश निवेश पर जो बैरियर्स लगाए जाते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं हानिकारक होते हैं एंड देर शुड बी नो बैरियर्स यहाँ कोई किसी प्रकार का अवरोधक नहीं होना चाहिए ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री जो अलग अलग देशों के बीच जो व्यापार होता है वो मुक्त व्यापार होना चाहिए फ्री ट्रेड होना चाहिए किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज़ और वो कहते हैं कि विश्व के सभी देशों को अपनी पॉलिसीज़ में भी काफ़ी लिब्रलाइज होना चाहिए उदार बनानी चाहिए बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें दर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश इन ऑन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइन्टी फाइव हेड क्वार्टर ऑफ डब्ल्यू टी ओ इन जेनेवा बटे जिनेवा में इसका हेडक्वाटर है है ना और इस समय लगभग 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किस चीज़ को मॉनिटर मॉनिटर करता है जिसका उद्देश्य धे दे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है लिबरलाइज करवाना है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है started at द initiative ऑफ़ द डेवलप्ड कंट्रीज wto established rules regarding रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल sees एंड सीज दैट are रूल्स आर ओबेड और नॉट विकसित देशों की पहल पर यह डब्ल्यू को एस्टैब्लिश किया गया शुरू किया गया और डब्लू जो है वो व्यापार से संबंधित पूरे नियमों को निर्धारित करता है डिसाइड करता है किस तरह का ट्रेड होना चाहिए और देखता है कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है एंड एट प्रजेंट वन हंड्रेड सिक्सटी फोर कंट्रीज ऑफ दर्ल्ड आर करेंटली मेम्बर्स ऑफ द डब्ल्यू टी ओ एंड इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड रूल्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड ओके सो दैट दिस कंट्रीज कैन अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल बच्चों इस तरह से डब्ल्यू टी ओ अपना काम करता है अगर हम डब्लू टी ए ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जो है सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है परंतु व्यवहार में एक चीज़ देखी गई है है ना इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स विकसित देशों ने ही अनुचित ढंग से व्यापार और बरकरार रखा है यहाँ ये बात जो है हमारी टेक्स्ट बुक के माध्यम से हमें समझाई जा रही है और दूसरी ओर अगर हम दूसरी बार दूसरी तरफ देखें तो डब्ल्यू टी ओ रूल्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स और वहीं ये जो विश्व व्यापार संगठन है वो विकासशील देशों से जो व्यापार अवरोध है उसको हटाने के लिए विवश करता है और खुद जो डेवलप्ड कंट्री जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है वो कई किस किसी ने किस प्रकार के जो है ट्रेड को वो इम्पोज किए हुए ट्रेड बैरियर को इम्पोज़ किया हुआ है तो इसका एक उदाहरण है और इसका एक उदाहरण है जो कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस का जो अगर मुद्दा है करंट डिबेट का अगर टॉपिक है तो वह है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो बच्चों ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन जो है डब्ल्यू से रिलेटेड दी है नाउ विल डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया यहाँ भारत में जो वैश्वीकरण है उसके प्रभाव को समझेंगे ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल इन इंडिया इन द फॉलोइंग मैनर इस ग्लोबलाइजेशन ने भारत में रहने वाली जनता के जीवन में किस प्रभाव किस प्रकार का प्रभाव डाला वो आपके सामने है इट हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइस टू कंज्यूमर हु नाउ एंजॉयड इम्प्रूवड क्वालिटी ऑफ एंड लोअर प्राइसेज ऑन सेवेरल प्रोडक्ट्स सही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्वालिटी के या इम्प्रूवड क्वालिटी के ढेर सारे जो ऑप्शन हैं अब च्ईसेस जो हैं वो कंज्यूमर के सामने हैं देखिए चॉइसज भी ढेर सारी है और प्राइजेस को लेकर के अगर हम बात करें तो क्योंकि कॉम्पिटिशन है एक ही प्रकार के अगर प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो क्वालिटी के साथ अलग अलग कंपनी भी तैयार करेगी और अपने रेट प्राइसेस इस तरह रखेगी कि हमारे प्राइसेस पर ये लोग सामान को खरीद लें तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ कंज्यूमर्स को हुआ तो ये इम्पैक्ट के तौर पर इसको देखा जा सकता है सेकेंड इट हैज़ रिजल्टेड इन हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बच्चों आज जो लोगों की, की जीवन स्तर है वो पहले की तुलना में आज बेहतर हो गया वो उच्चतर जीवन स्तर का अब आनंद ले रहे हैं ठीक है तो ये खास पॉइंट्स हैं जो इसको बेहतर तरीके से आगे लेकर के जाते हैं तो ये इसका इम्पैक्ट है बच्चों लास्ट फिफ्टीन ईयर्स में ठीक है जो अगर हम बात करें एम के बारे में पंद्रह वर्षों में विगत पंद्रह वर्षों में जो एम ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि भी की है इन्वेस्टमेंट बढ़ाए एम एन ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया अब एम ने जब इसमें इंडस्ट्री सेक्टर में जब इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो उसमें कई सारी एम ने शहरी इलाकों के उद्योगों में जैसे सेलफोन है ना ऑटोमोबाइल ठीक सॉफ्ट ड्रिंकिंग इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के प्रोडक्शन में इस तरह के निवेश में उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया और इससे क्या हुआ इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग थे देखिए लोगों को जॉब मिलने लगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी लोगों को सर्विसेज मिलने लगी ठीक है लोकल कंपनीज़ को एज uh, को एम के द्वारा सपोर्ट किया जाने लगा तो जो लोकल कंपनीज़ थी उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो गई तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पर देखा जा सकता है तो ये था एम का इंटरेस्ट देखना सेकेंड अगर हम बात करें तो सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इनक्रीज कॉम्पिटिशन अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियाँ बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित होने लगी ठीक है और इन इन कंपनीज में दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मैथड्स एंड्रेस दे आर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड और इन्होंने अपनी जो नवीनतम प्रौद्योगिकी है उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और इसे उत्पादन का जो मानक था वो ऊँचा उठने लगा अगर हम बात करें ऐसे ही कई ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट को लेकर के तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टी नेशनल दैमसल बच्चों वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बना दिया जैसे टाटा मोटर्स की बात करें इन्फोसिस की बात करें रैनबैक्सी की बात करें जो टाटा मोटर्स है वो ऑटोमोबाइल कंपनी है इन्फोसिस आईटी सेक्टर की है रैनबैक्सी मेडिसिन में है एशियन पेंट्स पैंट बनाने वाली कंपनी है है ना? आ, सुन सुंदरम फासनर्स ये नट और बोल्ट तैयार करती कुछ ऐसी कंपनियां हैं ये विश्व स्तर के की विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार कर रही है तो बच्चों ये ये कुछ इम्पैक्ट थे इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इन आई सेक्टर भारत में वैश्वीकरण ने जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कंपनियाँ विशेषकर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं उनमें नए रोजगार के अवसर सृजन हुए ठीक है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि किस तरह से भारतीय कंपनी द्वारा लंदन की कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन किया गया था है ना द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर अ लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल्स इन आवर कंट्री अगर हम अपने देश में बात करें तो कॉल सेंटर्स इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं हमारे भारत में विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉल सेंटर्स से मौजूद हैं ठीक इसके अतिरिक्त तो अगर हम बात करें तो डेटा एंट्री का काम अकाउंटिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इंजीनियरिंग है ना? ये सब हमारे देश में सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाते हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती है ये सब टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सर्विसेज ये सब यहाँ से हमारे देश से विदेशों को निर्यात की जा रही जाती है सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया ओके बच्चों आपके बुक के पेज नंबर 66 और 67 में इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है वो आप उसको रीड करके समझ भी सकते हैं नाउ वी विल सी अबाउट द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष कैसा था कैसे हुआ या गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर बच्चों कौन सी ऐसी चीजें हैं वैश्वीकरण अब एक सच्चाई हो गई ठीक है जैसे हमने आपको समझाया वर्ल्ड डब्ल्यू के बारे में तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है ठीक और न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए अब वो सुनिश्चित कैसे होगा सी ग्लोबलाइजेशन के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उस प्रॉफिट में सबकी हिस्सेदारी हो यह भी होना सुनिश्चित करना है जरूरी है तो गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्टेप्स ले है ना सरकार इसे संभव बनाने के लिए कौन सी भूमिका निभा सकती है इस फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए उसको समझना है तो उसके लिए कौन से वो स्टेप्स उठा सकती है द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री बच्चों सरकार को इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करते हुए बनाई जानी चाहिए ठीक द गवर्नमेंट कैन द गवर्नमेंट कैन एन्श्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड वर्कर्स गेट देयर राइट्स बच्चों सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो श्रमिक कानून का उचित कार्यान्वयन हो श्रमिकों को उनके अपने अधिकार मिलने चाहिए ठीक है इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रांग इनफ टू कम्पीट छोटे छोटे जो उत्पादक हो उत्पादक होते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स उनको अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए समय तक उस समय तक मदद कर सकती जब तक कि वो इस कॉम्पिटिशन के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए खुद सक्षम ना हो जाए तब तक उनको प्रोटेक्शन या सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स इट कैन नेगोशिय सॉरी तो अगर जरूरी हुआ इन लोगों को सक्षम बनाने के लिए तो गवर्नमेंट को सरकार को व्यापार और निवेश पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स को इम्पोज करना चाहिए उसका यूज़ कर सकती है उपयोग कर सकती है है ना इट कैन नेगोशियट एट द डब्ल्यू टी ओ फॉर फेयर रूल्स बच्चों न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से भी समझौता कर सकती है इट कैन आल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द डब्ल्यू विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाने चाहिए ठीक तो बच्चों ये फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए स्ट्रगल्स के पॉइंट्स हैं ये फाइव पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आपको अपनी नोटबुक में सबमिट कर लिखना चाहिए बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो